राम राम सारे भाइयों को, सारे एक्सर को। तो आज हम बात करेंगे पुल शॉट की। तो मैं आपको दिखाऊंगा विदाउट एनी गार्ड प्रैक्टिस करते हुए पुल शॉट की बाउंसर्स पे, ठीक है। तो मेरे नज़रिए से देखा जाए तो पुल शॉट के लिए टेक्निक इतनी ज़रूरी नहीं है जितना कि आपका माइंड सेट, ठीक है। मॉडर्न डे क्रिकेट में हमने देखा है, जैसे हमारी कॉपी बुक और पुराने स्टाइल में दिखाते थे कि छोटी बॉल को बैक फुट से आके पुल मारो, लेकिन आज आपने देखा होगा विराट कोहली, रोहित शर्मा पैर आगे रख के पुल करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्रिकेट जो गेम है वो मेंटली है, 30% तो ग्राउंड में खेली जाती है लेकिन 70% यहाँ। भी एक्सर है वो देख रहे हैं कि मैं जो भी पुल मार रहा हूँ फ्रंट फुट पे मार रहा हूँ, क्योंकि बॉल की स्पीड इतनी तेज है कि अगर मैं बैक फुट पे जाने का टाइम दूंगा तो बॉल हिट करने में पावर नहीं मिलती और मैं लेट हो सकता हूँ, अगर मैं लेट हूँ तो बॉल खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आजकल के जो भी क्रिकेटर हैं, रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स, कोई भी, विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, वो पैर इनिशियल मूवमेंट जो रखते हैं, इनिशियल मूवमेंट रखते हैं, उनको बॉल छोटा मिल गया और वो उन्होंने वहीं से पुल कर, तो ये इसकी टेक्निक है। बाकी आप आगे वीडियो देखो आपको पूरी तरीके से क्लियर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपना इंजरी की वजह से और भी कई सारे कारणों की वजह से क्रिकेट छोड़ दिया, तो मेरा वेट बहुत बढ़ गया, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब मैं यंग था तो मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है, इतने अच्छे मैचेस खेला हूँ कि मुझे इस बॉल पे बिना किसी गार्ड के, कोई भी देखो मेरे पे बॉडी पे ना हेलमेट है, ना पैड है, ना थाई पैड है, कुछ नहीं, बिना किसी गार्ड के मैं पुल शॉट मार रहा हूँ। तो ये सिर्फ इसलिए हो पाया कि मैंने शॉट अपना पका रखा है। यंगस्टर देख रहे हैं वो कभी भी, जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाई, बिना किसी गार्ड के इतनी तेज बॉल पे खेल रहे हैं, कभी भी ऐसी कोशिश ना करें, क्योंकि क्रिकेट बाय चांस है, बॉल कभी भी कहीं भी लग सकता है, ठीक है। तो हमेशा अपने हेलमेट्स, पैड, अपने सारे गार्ड्स हमेशा पहन के खेलना। थैंक यू।